ऑक्सीडोक्स कैप्सूल, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। कब डॉक्टर आपको इससे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डोज हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकती है, तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ऑक्सीडोक्स कैप्सूल के बारे में जानते हैं। इसे केएलएम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का कॉस्ट 127 रुपये, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऑक्सीडोक्स कैप्सूल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के हैं। इसके अंदर बेटा कैरेटिनॉइन है, कॉपर है, मैग्नीशियम, सेलेनियम डाइऑक्साइड है और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है। तो इसके अंदर जो बेटा कैरेटिनॉइन है, इसका वर्क के बारे में जान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा से हेल्प करता है आपकी स्किन के हेल्थ के लिए। अगर आपको जैसे सोरियासिस हुआ है, जिसमें स्किन में रूखापन आ जाता है, आपकी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचता है, आपकी स्किन को विटामिन की जो कमी रहती है, तो उससे ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी वर्क करता है, तो जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी आपकी स्किन को ग्लोनेस देता है, आपकी स्किन का जो तरोताज़ा बनाए रखता है, यानी आपकी स्किन का ग्लोनेस और उसे बहुत अच्छे से रखता है। और ये जो बेटा कैरेटिनॉइन होता है, ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपकी आंख का हेल्थ बनाए रखता है, यानी विजन में भी हेल्प करता है। इसके अंदर जो सेलेनियम ऐड किया गया है, ये जो कि प्रिवेंट करता है आपको थायराइड्स और कार्डियोवास्कुलर डिसीज से, यानी कि जब आपको ज़्यादा आपको जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ जाता है, या जैसे कि आपको जैसे कि आपका जो ब्लड ज़्यादा थिकर हो जाता है, तो उस समय भी अच्छे से ये हेल्प करता है आपको जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज को डिक्रीज करने में। और जिसमें जो तीसरा मॉलिक्यूल अगर जिंक के बारे में बात करें, तो यह आपको जो कि प्रॉपर करता है आपके जैसे रेड ब्लड सेल्स के और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट है और ये टोटल जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है मिल के सारे आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके हेल्दी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए और आपके कार्डियोवास्कुलर और थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करके, और आपके रेड ब्लड सेल्स के और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन में। तो इसका जो डोज रहता है ओडी डोज रहता है, आप इसे बेड टाइम में ले सकते हैं या मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर रहते हैं, इसे बेड टाइम में आपको प्रीफर करने के लिए बोलते हैं। आप खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद इसे एक लेके और आप इसे जो कि सो सकते हैं या जैसे आपको एक्टिविटी रहे वो कर सकते हैं। इसलिए शाम को बोलते हैं डॉक्टर, अगर आप इसे दिन में लेते हैं तो थोड़ा सा आपको टेस्ट में डिफरेंट लगता है, अगर आपको ढिकार वगैरह आती है, और जैसे कि थोड़ा सा ही आपको जैसे कि टेस्ट में डिफरेंट लगता है और आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन भी कर सकता है, इसलिए डॉक्टर इवनिंग में करते हैं, आपको नाइट टाइम बोलते हैं, ताकि आपको ये जो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन है या जैसे कि आपको जो ढिकार आती है जिसमें आपको अलग फील होता है, तो वो आपको ना आए। तो अगर आप इसे परचेस कर रहे हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से लेंगे तो आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं, आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, टेस्ट में डिफरेंट लग सकता है, पेट में गैसेज बन सकती है और फ्लैटलेंस बन सकते हैं। और जैसे कि इसका डोज बारे में बात की जाए, तो ये वंस डेली डोज रहता है, डॉक्टर इसे 1 से 3 मंथ तक देते हैं वंस डेली डोज। अगर आप कोई डोज ले रहे हैं आपको उल्टी आ जाए, सिंगल डोज रिपीट करें, डबल डोज लेने की कोशिश ना करें। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी मुझे काफ़ी जरूरत है। आपकी हेल्प की डाउट डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।